नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना COVID-19 इस समय महामारी के रूप में सारी दुनिया में फैला हुआ है और अस्थमाएं लोककाल के गाल में समा रहे हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते रहते हैं। सुरक्षा ही सर्वोत्तम उपाय बताया गया है। कोरोना COVID-19 को पराजित करने में हमें अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, इस दिशा में हमें विचार करना पड़ रहा है और इसके लिए लगातार जो है जानकारी भी प्रदान की जा रही है। बात करें हम इस समय सब्जियों की, फलों की, खाद्य वस्तुओं की, दूध की, तो किस प्रकार हम इनको मनुष्य के यानी अपने खाने योग्य बना सकते हैं, वायरस से इनको मुक्ति दिलाते हुए हम इनको अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस संबंध में हमने चर्चा की राकेश अहिरवार, जो कि दमोह के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। राकेश अहिरवार, इन्होंने हमें जानकारी दी और प्रश्नों के उत्तर दिए। आम जनमानस के बीच में जो प्रश्न उपजते हैं उनको समाधान करने का प्रयास किया, तो सुनते हैं क्या कहना है खाद्य सुरक्षा अधिकारी दमोह राकेश अहिरवार का। अहिरवार जी, ये अभी वर्तमान में कोरोना COVID-19 महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है और सुरक्षा ही सर्वोत्तम उपाय बतलाया गया है, और क्योंकि आप थोड़े सेफ्टी ऑफिसर हैं और बिना खाने के लोगों का जीवन चलना मुश्किल है, किस प्रकार के उपाय लोग करें ताकि वो अपने मतलब भोजन भी कर सकें, सुरक्षित भी रह सकें। कोरोना एक विश्व महामारी है और ये इन्फेक्शियस डिसीज की श्रेणी में आती है, तो संक्रामक बीमारी को अगर हमें दूर करना है तो हमें खाने पीने की चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित खाना और स्वस्थ हेल्दी फूड की आवश्यकता होती है, ताकि वह जो रोग आ गया है उससे लड़ सके, और उसके लिए इम्यून पावर बढ़ाने के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध एवं सुरक्षित खाना जरूरी है। हम एक व्यक्ति के रूप में क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, एक उपभोक्ता के रूप में क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा का पालन हमें अपने घर से ही स्टार्ट करना होगा। जो भी हम बाज़ार से फल सब्जियाँ लेते हैं, सबसे पहले उनको धोकर लेना इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज़ अगर बाज़ार से लेते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम उसको चीज़ों को खरीदें। उसके पश्चात इन चीज़ों को हम जब बाज़ार से घर में लाएँ तो उनको कुछ समय के लिए घर के बाहर ही छोड़ दें, मतलब एक निश्चित स्थान पर उनको छुए ना दें, हो सकता है उसमें कोई संक्रामक आपको वायरस वगैरह आ जाए। तो क्योंकि आपको ये विदित भी है, सर्वविदित है कि कोरोना जो वायरस है वह प्लास्टिक सरफेस पर, स्टील की सरफेस पर और आपके पेपर्स पर भी कई घंटों तक रह सकता है। इन सबसे बचाव के लिए हम उसको जितना देर तक बाहर रख सकें उसको रखें, उससे पश्चात 2-3 घंटे बाद फिर उसको हम हैंड सैनिटाइजर उपयोग करके पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें। उसके बाद उन फल सब्जियों को एक बाल्टी में एक 15 लीटर पानी लें, उसमें हम 30% करीब नमक मिलाएं, वो नमक घोल बन जाएगा। उस घोल में हम कम से कम आधे से 1 घंटे तक उन सब्जियों को, फलों को डालें और रखें। इससे क्या होगा कि जो 1 घंटे पश्चात जो भी उसमें वायरस होगा या कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट होगा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस एनवायरमेंट में ब्राइन सॉल्यूशन होगा, 30% सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें वायरस सर्वाइव नहीं करता है। साथ ही उन सब्जियों को फिर हम बाहर निकालें, फिर उनको बहते हुए पानी में, रनिंग वाटर में हम उनको धोएं और फिर उनका रख के उनका जिस तरीके से हम इस्तेमाल करना है, काट के खाना है या उसको बना के खाना कर सकते हैं। जैसे कि नमक है, नमक के साथ और भी कोई ऐसी चीज़ होगी जिनसे? एक विनेगर है, विनेगर वो भी सिरका है, तो सिरका का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। सिरके का वही जो हमने बताया नमक के लिए जैसे इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूशन बना के वो कर सकते हैं। जैसे बेकिंग सोडा की भी बात आती है, बेकिंग सोडे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नमक, बेकिंग सोडा और साथ में हम क्या बोलते हैं तुम्हारे विनेगर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे ये तो हो गई सब्जी और फल की बात। सब्जी और फल के साथ में और भी ऐसी तत्व होते हैं क्या, मतलब जैसे भोजन में दूध है, दूध पैकेट आते हैं, दूध पैकेट्स का भी हम जैसे हमने बताया आपको उसमें भी संक्रामक हो सकता है, मतलब कि संक्रमण का शिकार हो सकता है पैकेट भी, तो क्योंकि प्लास्टिक के बने प्लास्टिक पर 72 घंटे कोरोना वायरस रह सकता है, इसलिए हम इन पैकेटों को बाज़ार से खरीद के समय उनको बाहर रखें और 4-5 घंटे बाद फिर उनको सोल्यूशन जो हमने बनाया इसमें अपन बाहर ऊपर से डालकर पैकेट्स को और उसमें साफ करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे कि अब क्योंकि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर भी हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपके द्वारा कोई संदेश आम जनमानस के लिए अभी हो तो? हम आम जनमानस मेरा यही संदेश है कि कोरोना महामारी को हम इससे डरें नहीं, इससे सावधान रहें हम, और जो इसकी सावधानियां हमें भारत सरकार ने बताई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताई हैं और हमारी भारत सरकार लगातार हमें लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग एवं भारतीय खाद्य एवं संरक्षण विभाग प्राधिकरण विभाग FSSAI द्वारा जो नए नए नित्य नए नियम और सावधानियां बताई जा रही हैं हम पालन करें। सबसे पहले हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, चाहे हम घर में हों, चाहे हम बाज़ार में हों, चाहे हम ऑफिस में हों, कहीं भी हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबसे बड़ी कोरोना के अगर जीतना है हमें जंग जीतना है सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क लगाने के जो हमारे प्रशासन अधिकारी जो आम जनता को संदेश दे रहे हैं वह संदेश में मैं देना चाहूँगा कि मास्क का उपयोग करें, जितना अधिक से अधिक हो सके बाहर निकलते समय करें, घर पर जितना जितना हो सके उतना करें, परंतु बाहर हमेशा करें। फिर हैंड सैनिटाइजर हो गया और ये हैंड वॉश का ये है उसका भी हम बार बार उपयोग करें। यह थे दमोह के खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवार, जिन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी। हम अपील करते हैं आप सबसे कि जो जानकारी दी गई है उसको अमल में लाएं, सुरक्षा ही सर्वोत्तम उपाय है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, देखते रहिए LNB TV। नमस्कार।